Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है खास आपके लिए क्या महसूस करते हैं, डीपर इंटेंस फीलिंग्स फॉर यू गाइस. सो देख लेते हैं. सो लास्ट में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ चैनलाइज मैसेजेस और कुछ हम क्यूज भी देखेंगे. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स एंड एंजल्स विज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं. आप भी अपने पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखिएगा, ठीक है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस. ओके, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द एक्सपेंशन, ठीक है. यहाँ पे एक्सपेंशन कार्ड है. दूसरा है इम्पेशंस. ओके, प्रेयर, जॉय, कॉम्प्लेसेंसी, डिस्पोंडेंस, सर्विस, एक्सेप्टेंस, पैशन, ठीक है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. ओके, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं. लियो इम्पोर्टेंट है. ओके एंड यस, ओके. बाकी हम बाद में बता देते हैं दूसरा डेक से जब हम इसको वेरीफाई करेंगे. ओके, सो बेसिकली अगर हम देखें कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, सो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने जैसे बहुत कुछ सह लिया है, ठीक है. अभी उनसे सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा है. दे आर रियली हैविंग इंटेंस फीलिंग्स फॉर यू. आज का टाइटल टैग पूरी तरह से मैच हुआ क्योंकि दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू, ठीक है. दे वॉन्ट टू नो अबाउट यू, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, और आपकी गहराई में झांकना चाहते हैं. और ये तभी होता है जब कोई हमारे बारे में इंटरेस्ट लेते हैं, तभी ना वो हमारे बारे में इतना इन्फॉर्मेशन वो जानना चाहेंगे, राइट. यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान इस तरह से है कि इस रिलेशनशिप में दे वांट एक्सपेंशन, दे वांट ग्रोथ, दे वांट पॉजिटिव कनेक्शन, ठीक है. और मुझे दिख रहा है ये इंसान को, अगर आपके पर्सन आपको लगता है कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो वो इंसान उस इंसान को ही अलविदा कर देंगे. एंड डेफिनेटली आप देखो आपके हाथ में जो है वर्ल्ड कार्ड है, राइट, वर्ल्ड है. सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड ये जो है थर्ड पार्टी, चाहे जितना भी फूक करे, आप दोनों के बीचों बीच दरार बनाए, मुझे लग रहा है इनकी छोटी सिस्टर भी हो सकती है अगर आपके पर्सन मेल या फीमेल कोई भी हो. बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करवाया है ये, शायद आप दोनों के बीच में ना जो भी र्यूमर्स फैलाना, जो भी किए इस इंसान ने किया. आपके फ्रेंड हो सकता है, आपके बेस्ट फ्रेंड या इनकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, जो अंदर ही अंदर तो उनको चाहते थे लेकिन ऐसा बोलते थे कि नो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. कोई ऐसा कुछ रिलेशनशिप तो है नहीं मेरे और उनके बीच में. सो आपने उसी बात के ऊपर ट्रस्ट किया होगा और इनको छूट दे दिया होगा. तो अगर ये आपके पर्सन इनके साथ बातचीत भी किया करते तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आप सोचते थे अपने माइंड के हिसाब से कि नो 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 नो, वो तो सही है ना, क्या हुआ, बात करने से कुछ नहीं होता. तो आप तो सोचे नहीं थे कि इंसान इतना बड़ा अजगर निकलेगा, ठीक है. सो दे विल टर्न आउट टू बी अ पाइथन. आपने कहाँ सोचा. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा जैसे होता ना डूब चुके हैं, ओके. सो दे वांट टू कैच यू, ठीक है. लेकिन इतना जल्द से जल्द आप भी इनके हाथ में नहीं आ रहे, क्योंकि जैसा होता है ना कि डेस्टाइन टाइम, तभी जाके हो पाएगा ना, इतना जल्दी जल्दी तो नहीं हो पाएगा. बट वो सब्र नहीं कर पा रहे हैं. दे आर नॉट रेडी टू वेट नाउ. दे वांट टू मेक फ्रेंडशिप विथ यू, दे वांट टू मेक दिस कनेक्शन प्रॉपर, ओके. वो सही करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ठीक ठाक करना चाहते हैं, ओके. एंड अगर एक न्यू रिलेशनशिप है तो आप तो जान के रखे ये इंसान आपके ऊपर पूरी तरह से लट्टू है, पूरी तरह से फिदा है आपके ऊपर.
कुछ लोग आपके पर्सन जो है मन्नतें मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं पे ये जा रहे हैं, ठीक है। कुछ और जगह पे मैं भी इन स्पिरिचुअल एरियाज या रिलीजियस प्लेसेस, कोई भी धार्मिक जगह, कोई भी इस तरह से जगह पे जाके प्रेयर्स करना। एंड दे कीप फास्ट ऑल्सो फॉर यू, शायद आप इनके लिए फास्टिंग रखते थे और ये भी आपके लिए, अभी देखो उल्टा सीन है, अभी ये आपके लिए फास्टिंग रखते हैं, नींबू शरबत पीने के बाद ही ये फास्टिंग ख़त्म करते हैं। एंड ये भी उनको खुशी ही देता है, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए फास्टिंग करके खुशी ही महसूस करते हैं, वो चाहते हैं कि आप इनको जल्द से जल्द उनका हालत जो भी हो वो एक्सेप्ट कर ले। एंड पहले वो मना करते थे आपको, पहले वो आपको अपने से दूर रखते थे क्योंकि वो श्योर नहीं थे रिलेशनशिप में, और आपने उनको हज़ार बार मनाने की कोशिश की फिर भी, लेकिन आपके गुण देख के, आपके टैलेंट्स देख के, आपकी जो नेचर है, जैसे बोला जाता प्रकृति, कैसा नेचर है इंसान का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। वो कितना भी धनवान हो, कितना भी रिच हो, कितना भी धनी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि देखो, सब लोग अभी के समय पर रोज़गार तो कर ही लेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ है कि इस इंसान के साथ अगर एडजस्ट नहीं कर पाए तो क्या होगा। बट उन्होंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा काइंड है, ठीक है, आप लोगों को सेवा करते हैं, आप लोगों को अच्छा ख्याल रखते हैं, एंड दे लव योर नेचर, दे लव योर एटीट्यूड। हो सकता है कुछ इंस्टेंस में अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो शायद आपके वाइफ या आपके हस्बैंड ने आपके पेरेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, इस तरह से मुझे दिख रहा है। सो दे हैव अ वेरी गुड पिक्चर अबाउट यू एंड दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू, वरना पैशनेट क्यों निकलता है। सो उन्होंने देखा आपकी डेडिकेशन, आपका कर्म, आपका काम, आपकी जो मेहनत, आपकी शिद्दत, कोई भी काम पे ईमानदारी से काम करना, ना कि बेईमानी से काम करना। सो उनका दिल आपके ऊपर जाके तो डूबेगा। दिल डूबा नीली आँखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा, उस तरह से, ठीक है। तो दिल तो डूबेगा ही ना। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि बहुत सारे सिचुएशंस में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, आपके बिना उनकी आंसू गिरते हैं, बट दे क्राई इन आइसोलेशन, मतलब जब कोई नहीं होता घर में, या ये प्राइवेट अपने कमरे में है, या ये इंसान जो है सर्दी में देखो जैसे पत्ते झड़ जाते हैं, स्नोफॉल होना शुरू हो गया है, सीजन्स चेंज हो जाते हैं, तो इनकी जो है ना, इनकी जैसे शेडो, यू आर द शेडो ऑल्सो, कैन यू सी द शेडो, यस, आप इनकी परछाई है। सो वो परछाई तभी उनको और भी खोलता है, मतलब उनकी गुस्सा भी आता है, उनको फ्रस्ट्रेशन भी होता है, दुख भी होता है इस तरह से, और अकेले बैठ के उनको लगता है देखो अकेले ही हैंडल करके क्या फ़ायदा, इतना पैसा कमा के भी क्या फ़ायदा, पैसा कमा के तो कोई फ़ायदा इतना है नहीं अगर आपके यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नो वन, कोई भी नहीं है। मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं अपने घर वालों से भी, हो सकता है वो जगह जहाँ पे वो रहते हो काफ़ी बारिश होता है, या काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ठंड पड़ती है, इस तरह का हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इस इंसान का जन्म हो सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लाइक दैट। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि उनकी मॉम जो है, एक चीज़ मैं ये भी बताती हूँ, उनकी मॉम भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करती है, बट उनकी मॉम ने भी कभी उनको रिक्वेस्ट किया था कि आपके साथ पैचअप कर ले, या आपको वो अपना बना ले, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरी वन, बट उन्होंने उनकी बात भी टाल दी, आपका बात तो टाल ही दिया, उनकी बात भी उन्होंने डाल दिया, ठीक है। और अभी ये सोच रहे हैं कि कैसे एक्सेप्ट करेंगे मेरे पर्सन के, एक्सेप्ट करेंगे मुझे उस तरह से। ओके, नाउ लेट्स कम टू द वेरिफिकेशन पॉइंट। एक्सपेंशन क्यों है, देखो देखो, टू ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू बैलेंस द रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये इंसान जो है, ओके, ये ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ काम में नहीं, मुझे अपने जो घर है, अपने जो पर्सनल लाइफ है
उसको भी तो बैलेंस करना है। आप देखो दिस टू हैंड्स आर ऑलमोस्ट नियर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम पोजिशन में है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी दे ली बिसाइड द कोस्टल एरियाज और सी बीच, उनके सामने है, नज़दीक है, या कोई पावर प्लांट के सामने रहते हैं ये। सो एक्सपेंशन का कार्ड यहाँ पे इस तरह से है कि अगर आप उनके ज़िंदगी में दो दो लड़कियाँ हैं या दो दो लड़के हैं, जो भी है अपोजिट जेंडर वट एवर, सो ये आप ही को चूज़ करेंगे, नो डाउट, देर इज़ नो डाउट, डाउट है ही नहीं। ओके इम्पेशंस किस बात का है जस्टिस लिब्रा? यहाँ पे इम्पेशंस इस बात का है कि ये आपको तो उस दौरान कोई न्याय दिला नहीं पाए, या आपके साथ अच्छे से बातचीत कर नहीं पाए, या अपनी वादा, अपना जो वादा है उसको वो निभा नहीं पाए। और ये अभी इतना ज़्यादा मैंने आपको बताया कि दे आर नॉट रेडी टू कमिट टू यू, दे आर इंटेंसिटी ऑफ द फीलिंग्स। इंटेंस मतलब क्या होता है, कितना ज़्यादा, इतना डीप। ओके सो लाइक दिस, प्रेयर्स किस लिए? मैजिशियन एंड प्रेयर्स आर मोर और लेस रिलेटेड। मैजिशियन ऑल्सो मैनिफेस्ट राइट, अ पर्सन हु मैनिफेस्ट फॉर द मैजिकल क्वालिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि प्रेयर ऐसा चीज़ है, प्रार्थना ऐसा है कि वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मैजिकल मोमेंट्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो उनका विश्वास इसी तरह से है कि शायद वो आपको हासिल कर सकेंगे अगर उन्होंने जैसे तपस्या करते हैं या वो मन्नतें मांगते हैं उसी तरह से। सो दे वांट देयर विश कम ट्रू एंड देयर विश इज़ यू। ओके सो जॉय, सेवन ऑफ वैंड्स, आपके बिना क्या है ये, किसी भी तरह से अगर आप रहते हो ना उनके साथ, तो वो कोई भी मुकाबला हो, कोई भी चुनौती हो, उसको वो अपोज कर सकते हैं, लेकिन आपके बिना वो पूरी तरह से खाली खाली लगता है। एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू दैट वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं ताकि आपको वो खुश रख पाए। सारे जो दुनिया है मे भी आप दोनों की रिलेशनशिप के खिलाफ हो सकता है, बट वो करके दिखाएंगे, नो दे आर फॉर यू, दे विल स्टैंड फॉर यू। उसे स्टैंड नहीं लेना चाहते थे, अभी वो स्टैंड लेंगे आपके लिए और वही वो खुशी होगा, क्योंकि आप चाहते थे ना कि वो आपके लिए हमेशा स्टैंड ले। ओके पेज ऑफ वैंड्स, ओके दे आर रियली एक्साइटेड अबाउट यू। और जब दूसरे के खेत में बहुत ज़्यादा सब्जी या फल या फूल वो देख रहे हैं जस्ट एज एन एग्जाम्पल, तब तो उनको बहुत ज़्यादा अपना खालीपन का एहसास हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे उनके पास कुछ भी नहीं और दूसरे के खेत में क्या है, भरपूर चीज़ें हैं। तो ये तो होना ही था, जब आप किसी को ठुकरा देते हैं वो मे बी आपके घर में लक्ष्मी बन सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, डज नॉट मैटर, वी ऑलवेज डील विद एनर्जी। सो फॉर्चून गुड लक तो आप ही उनकी ज़िंदगी में लेके आ सकते थे ना। ये जो खाली है खेत उनका, क्यों है खाली? अभी ये दूसरों के खेत में देख रहे हैं, अरे वाह ये तो लोगों ने अच्छा बना दिया, मैंने तो इतना मेहनत किया फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं, तो होगा ही ना कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने खुद ठुकराया है। सो ठुकराने का जो फल है उनको तो सफ़र करना ही पड़ेगा गाइस, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। डेस्पोंडेंस, वाई डिस्पोंडेंस, बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं एकदम, बहुत ज़िद्दी, बहुत आर्गूमेंट्स भी करते हैं इंसान। डिस्पोंडेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये सोच रहे थे कि नहीं मेरे लिए ऐशो आराम, लग्जरी, लड़कियाँ लड़के यही मैटर करता है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे एक पर्सन में सेटिस्फाइड नहीं रहना, मुझे और भी आराम, फरमाइश। यू कैन सी द सेक्शुअल टेंडेंसी इन ऑल्सो विद द क्वीन ऑफ कॉइन्स, आई डोंट नो इट इज शोइंग लाइक दैट, मतलब शुक्र का पूरी तरह से मतलब एप्लीकेशन। ठीक
ठीक है, उपयोग एकदम। तो ये पूरी तरह से आराम, फरमाइश, उस तरह का ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और जब आपने उनको बताया कि वाई यू आर नॉट रेडी, ओके, सो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए अफेयर्स करना आउट ऑफ मैरिज या बिफोर मैरिज या जो भी हो, उनके लिए एक रिलेशनशिप उतना मैटर नहीं किया था उस दौरान। दैट्स वाई दे हैड रिफ्यूज्ड। अगर अभी भी सिचुएशन इस तरह से है, अगर अभी भी उनका मन नहीं है आपके तरफ, ठीक है, आपको भी अभी भी समझाना पड़ रहा है, दैट मीन्स देर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डॉक्टर्स हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फाइनेंस में है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सेल्स एंड मार्केटिंग में है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ट्रांजैक्शंस डील कंपनीज के साथ डील करते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है मे बी इन लॉयर, दे कैन बी एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे कैन बी एन अकाउंटेंट, दे कैन बी अ कैशियर ऑल्सो। सर्विस फाइव ऑफ कप्स, उनके अफसोस इस तरह से है जो उनकी मौजूदगी में, ठीक है, उनको करना चाहिए था, ठीक है, आपकी हेल्प करना चाहिए था, तो उन्होंने तो किया नहीं, राइट, उल्टा आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, आपने उनके परिवार के लिए बहुत कुछ किया, तो इस बात का गम, इस बात का रिग्रेट तो उनको ज़रूर है। एक्सेप्टेंस, किंग ऑफ कप्स इज ऑलवेज द कार्ड फॉर यस, ये चाहते ही है आप इनके ज़िंदगी में आओ और ये कप लो और इनके साथ ज़िंदगी बिताओ, खुश रहो, एंड आई डू फील लाइक दैट, ओके, सो आई डू फील कि दिस पर्सन वांट्स यू इन देयर लाइफ, ओके। पैशन, जो वो आपको नाराज़गी दिखा रहे थे मे बी फॉर सम रीजंस, या जो भी ब्रेकअप आप दोनों के बीच में हुआ, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे कोई तो ज़िम्मेदार है, ये चीज़ मानते हैं या खुद ज़िम्मेदार है, मानते हैं खुद की उनकी इमोशनल जो नेचर है उसको दबा के रखना, ज़्यादा एक्सप्रेशन ना करना, बात करो तो हूँ हाँ मैं जवाब देना, ये सब चीज़ आपको ना शो करना कि वो कितना प्यार करते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि मे बी आप इन आप दोनों की रिलेशनशिप मे बी इट इज़ नॉट परफेक्ट वन, ओके, सो लाइक दैट। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द एट ऑफ कॉइन्स, ये मेहनत करना चाहते हैं आगे जाके, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। हम देख लेते हैं थोड़ा सा फीलिंग्स चैनलाइज मैसेजेस के थ्रू, ओके, एवरी डे दैट आई टॉक टू यू माई फीलिंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, हर रोज़ आपके साथ बात करते करते उनकी फीलिंग्स और भी स्ट्रांग होते जा रहा है, जैसे आज का रीडिंग था इंटेंस फीलिंग्स फॉर यू, वही हुआ। फ्यूचर नाइट्स आई प्रोमिस विल टर्न इन टू डेज, सो वी वुड कडल टाइट किस एंड मेक लव फॉर डेज, वो आपको पकड़ना चाहते, जकड़ना चाहते, आपके साथ प्यार करना चाहते, आपके साथ रात बिताना चाहते, एज सिंपल एज दैट, ओके। यू आर द पर्सन हु पुशेस मी अप वेन एवर आई फील सो लो, थैंक यू, मतलब वो जब भी लो फील करते थे तब आप ही ने उनको संभाला, आपने उनको बहुत ज़्यादा संभाला, अभी उनका टर्न है। मच मोर आई मिस दोज मोमेंट्स एज द डेज फेड अवे, बट आई स्टिल रीलीव दोज मोमेंट्स सो आई वॉन्ट गो एस्ट्रे, मतलब ये जितना भी मोमेंट्स आप दोनों ने बिताया है उसके लिए वो कभी भी उस मोमेंट्स को भूल नहीं पा रहे हैं और उनको और तकलीफ हो रहा है, वही प्रॉब्लम है, ओके। सो अगर हम फ्यूचर एक्शन को देखें तो मुझे दिख रहा है स्ट्रांग एक्शन लेते हुए आपके लिए, आई डू फील कि ये इंसान जो है अपने मकसद को भूले नहीं है, प्रोफेशनल अचीवमेंट तो उनके लिए है ही, कुछ लोग आपके पर्सन मिलिट्री में हैं इसलिए आपको समय नहीं दे पाते, बिकॉज दे आर हैवीली लोडेड पीपल गाइज, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं स्केड्यूल में, कभी कभी फ़ोन नहीं लगता, कनेक्शन नहीं होता है ना,
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान बहुत दूर तक सोचते हैं एंड दे ड्रिल ऑन दैट वॉल जो जहाँ पे उनको डेकोरेशन करना है, राइट। ड्रिलिंग कहाँ होता है? सपोज हमें कुछ लगाना हो कुछ वॉल में तो वहाँ पे ड्रिलिंग करना पड़ेगा, या कुछ और भी काम हो। सो दे मे बी इन द रियल एस्टेट बिजनेस ऑल्सो, मुझे दिख रहा है कुछ लोग आपके पर्सन टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं। रेगिस्तान दिखाई रहा है, मतलब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से खालीपन और कुछ नहीं। उनको जैसे हर रोज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है। गुस्से में भी है ये इंसान क्योंकि वो आपको हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म, बट ऐसा नहीं है। दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ लाइफ विथ यू, अ न्यू लाइफ विथ यू, बिकॉज यू सी देयर इज अ स्केलेटन। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot's Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.